मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एशियन कल्चर। इंडिया जो है वो लैंड कहलाती है एशियन कल्चर की, एशियन इंडियन स्कल्पचर्स और इंडियन स्कल्पचर्स की। विष्णु पुराण स्टेट इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम हिमालय। इसके अंदर ये जो आपको श्लोक दिया है उसमें ये समझाया गया है कि इंडिया जो है वो एक्सटेंड करती है हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ और इंडियन ओशन साउथ की तरफ तक। इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस, और जो नए जो डिसेंडेंट्स हैं उसे हम इंडियंस कहते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, कोई भी ऑस्पिशियस सेरेमनी में, पवित्र सेरेमनी में भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यवर्त एक्सेट्रा वर्ड्स आर यूज वाइल टेकिंग रेजोल्यूशन। और ये सारे वर्ड्स जो है ना यूज किए जाते थे जब भी कोई रेजोल्यूशन लेने होते थे। और कंट्री इज गिफ्टेड विद नेचुरल बाउंड्रीज। हमारी कंट्री जो है वो नेचुरल बाउंड्रीज, ऐसा बोला जाता है कि नेचुरल बाउंड्रीज से गिफ्टेड है। हिमालय इन नॉर्थ, हिमालय जो है नॉर्थ में है, एंड सी इन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, और सी जो है वो ईस्ट और वेस्ट और साउथ में है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्री मेसमराइज बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू ट्रेड सेटल एंड मिंगल विथ इंडियन कल्चर। और पूरे वर्ल्ड के लोग जो है ना हमारे कल्चर को प्रेज करते हैं और हमारे साथ ट्रेड करने और हमारे जो कल्चर है उसमें उसे प्रॉपर बढ़ाने के लिए आते हैं। ड्यू टू द मैचुअल एक्सचेंज मैनी चेंज हैव बीन सीन इन अवर कल्चर। और मैचुअल एक्सचेंज की वजह से हमारे कल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए। इन दिस वे अवर हेरिटेज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और इस तरह से हमारा जो हेरिटेज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हुए एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग। और इसकी वजह से हमारा जो हेरिटेज है वो डे बाई डे वो जनरेशन बाई जनरेशन प्रोग्रेस करते जा रहा है। इंडिया लोकेशन एंड एरिया। वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन स्टैंडर्ड 9th अबाउट द प्रेजेंट एरिया लोकेशन ऑफ इंडिया। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इंडिया की लोकेशन के बारे में 9th में। इट वॉज वेरी वास्ट एंड इन एशियन टाइम एंड नाउ अराइज वाइज इट स्टैंड ऑन द 7th रैंक एंड पॉपुलेशन वाइज ऑन द 2nd। एशियन टाइम में ये बहुत बड़ा हुआ करता था बट नाउ इट्स 7th रैंक, वर्ल्ड में 7th रैंक है और पॉपुलेशन वाइज हम 2nd नंबर पे आते हैं। रिच एंड वेराइड हेरिटेज। आवर मदर लैंड हैज बिस्टोन रिच एंड वेराइड हेरिटेज टू अस सो एज टू द वर्ल्ड। हमारी जो मदर लैंड है उसके जो है उसके जो हेरिटेज है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत रिच है। इंडियन कल्चर्स हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। और हमारा जो कल्चर है वो ट्रेड लविंग है और पीस लविंग है। सत चित एंड आनंद आर द रिलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। और अगर आप इंडियन कल्चर को ज़्यादा समझोगे तो आपको समझ में आएगा सत चित और आनंद ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो इंडियन कल्चर से ही रिलाइज होते हैं। बिसाइड दिस इंडियन कल्चर प्रॉस्पर्स विद द मैचुअल एक्सचेंज डिफरेंट कल्चर ऑफ अवर कंट्री विच केम टू इंडिया एंड सेटल हेयर। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो पीपल हैं वो हमारी कंट्री में आए और हमारे कल्चर को उन्होंने अपनाया और वो यहाँ पे ही सेटल हो गए। They have accepted the value of non-violence and peace which has been adopted and admired by the world. और उन्होंने भी non-violence और peace को accept किया और adopt किया, admire किया पूरे world के सामने। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability and talent and skill. और आज ही के पीपल नहीं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टाइम पीरियड से ही हमारी कंट्री के जो पीपल्स थे उन्होंने हमारी कंट्री को वेल्दी बनाने में, रिच बनाने में इंटेलेक्चुअली एबिलिटी, टैलेंट और स्किल प्रोवाइड की। इन्यूमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर, आर्टिशियन, आर्टिस्ट, सेज, सेंट, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। और बहुत सारे स्कॉलर्स, थिंकर, आर्टिशियन, आर्टिस्ट, सेज, इस सभी लोगों ने भी हमारी कंट्री को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और
हमारे कल्चर को ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड किया. कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट. कल्चर जो है क्या है, पूरे सम का हैबिट, सब चीजों का हैबिट, कस्टम ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन. और कल्चर जो है वो हमारे हैबिट्स है, हमारे वैल्यूज है, हमारे कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है, और ये हमारा लाइफस्टाइल है. मीनिंग ऑफ कल्चर. कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ. कल्चर का मतलब है कैसे हम अपने लाइफ को लीव करते हैं. इट इज मेड ऑफ चेंज दैट अकर्स इन पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटी. ये जो है वो चेंज होता रहता है पब्लिक लाइफ में, सोशल रूल्स में और रेगुलेशन और डिफरेंट सोसाइटी. इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, आइडिया लीडिंग ह्यूमन टू बी हाइएस्ट लेवल. और इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज अ टोटल हैबिट. कल्चर जो है वो टोटल हमारी हैबिट्स है, वैल्यूज है, कस्टम है, ट्रेडिशन एंड आइडिया लीडिंग ह्यूमन टू हाइएस्ट लेवल. और ये सब चीजें जो है हमें अपनी लाइफ में हाइएस्ट लेवल तक पहुंचाती है, हमारे कल्चर को हाइएस्ट लेवल तक पहुंचाती है. कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया. हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम अवर फोर फादर टू अस. हेरिटेज मतलब जो भी चीजें हमारे फोर फादर से हमें मिलती हैं. इंडिया इन हिस्ट्री इज अ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वी से इन स्कूल प्लेज. इंडियन हिस्ट्री जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर है, पुरानी है, हम अपने स्कूल में बोलते हैं, प्लेज में बोलते हैं. आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट रिच एंड वेराइड हेरिटेज. हम ये बोलते हैं कि हम अपनी कंट्री को लव करते हैं और प्राउड है उसके रिच कल्चर हेरिटेज पे. इन दिस कॉन्टेक्स्ट हेरिटेज इज अ प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम अवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड. और इस कॉन्टेक्स्ट इस स्टेटमेंट में समझाया गया है कि हेरिटेज जो है वो प्रीशियस गिफ्ट है हमारी मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड, हमारे मदरलैंड के पूरे वर्ल्ड को. अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, वी डिवाइड अवर हेरिटेज इंटू टू डिविजन्स. और बहुत सारी मिस्ट्रीज है ह्यूमन लाइफ की, बट हम अपने हेरिटेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज नेचुरल हेरिटेज एंड सेकेंड वन इज कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया. फर्स्ट वन नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज अ नेचुरल हेरिटेज. जो रिलेशनशिप होती है नेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, ह्यूमन लाइफ को, उसे हम नेचुरल हेरिटेज बोलते हैं. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेराइड. नेचुरल हेरिटेज जो है वो बहुत ही यूनिक है और वेराइड है. इट इंक्लूडिंग फीचर्स लाइक माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सीज, ट्रीज, प्लांट, क्रीपर, फ्लावर्स, लीव, इंसेक्ट एंड वेराइड लैंडस्केप. वाइड रेंज ऑफ मिनरल. नेचुरल हेरिटेज में ये सारी चीजें बिलोंग करती हैं. वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट एंड एनिमल. वी ऑल आर द चिल्ड्रंस ऑफ नेचर. और ऐसा बोला जाता है कि हम सभी लोग है ना, हम नेचर से ही ऑब्टेंड हुए हैं. So it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and dwelling to cater our all needs. इसलिए जो नेचर है हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, हमें खाने को देती है, पीने को देती है, फ्रेश एयर देती है और हमें रहने की भी जगह देती है और हमारे सारे नीड्स को फुलफिल करती है. वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट विथ अ फेथ. और इसलिए हमें अपने जो नेचर है उसको रिस्पेक्ट के साथ और फेथ के साथ ट्रीट करना चाहिए. द एग्जाम्पल ऑफ अवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड जातक टेल्स. और ये एग्जाम्पल जो है ना कि हम लोग कैसे अपने नेचर को ट्रीट करते हैं वो आपको पंचतंत्र की कहानियों में और जातक टेल्स में मिल जाएगी. और बुद्धिस्ट रिलीजन. अवर क्लासिकल एंड फ्लॉक म्यूजिक एंड सर्वल राग्स आर बेस्ड ऑन प्रहर्स. और हमारे क्लासिकल म्यूजिक है और फ्लॉक सॉन्ग्स भी है ना, वो ज्यादातर वो बेस्ड होते हैं प्रहर पे, मतलब पीरियड ऑफ डे. सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचुरल केयर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर. और ये सारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं वो भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिपेंड होती है नेचर पे. लैंडस्केप ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर जनरली फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट शेप ऑफ लैंड. ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट किस तरह का शेप है लैंड का उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल द हिमालय इज अ लैंडस्केप. हिमालय जो है वो एक लैंडस्केप है. इट हैज इंडाउंड इंडियन evidently with useful vegetation and minerals, strange bird animals and mountain peak covered with a snow, brimming river are the gift of the Himalaya. और ये जो हिमालय जो है वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के मिनरल्स, वेजिटेशन, अलग अलग टाइप की बर्ड्स और
ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। इवन जो रिवर्स हैं वो भी वहीं से निकलती हैं। फॉरेस्ट ऑफ टहरी टहरी एंड इट पिलग्रिमेज प्लेस फॉर, और फॉरेस्ट जो है टहरी का और धार्मिक स्थल है ना, वो भी वहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालय, और ये सारे जो पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं वो भी हिमालय पे बिलोंग करते हैं। सिंस एशियन टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, और एशियन टाइम से ही हिमालय जो था वो ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। रिवर्स रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचर नेचुरल वे सिंस एशियन टाइम। रिवर्स जो है वो नेचुरल वेज प्रोवाइड कर रही है एशियन टाइम से ही। इंडियन कल्चर हैज फ्लोरिश ऑन द बैंक रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड द रवि। इंडियन कल्चर जो है वो फ्लोरिश करती है रिवर बैंक रवि इंडस। इंडियन कल्चर हैज फ्लोरिश ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड रवि। ज़्यादातर हमारा इंडियन कल्चर जो है वो बढ़ा है बैंक ऑफ इंडस और रवि पे। द रिवर लाइक अ गंगा, द यमुना, द सरस्वती एंड द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा एक्सेट्रा, ये सारे रिवर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत हमारा जो कल्चर की शुरुआत जो है ना इन सारे रिवर के थ्रू ही हुई। हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया, और ये सारी जो नदियाँ हैं हमारे पे कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस रखती हैं। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वे, और रिवर्स जो है ये सारी चीज़ों के वेज हैं जो हम यूज़ करते हैं। बिसाइड दिस मैंस वॉज डिपेंडेंट ऑन द रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल, प्लेस्टरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेज। इसके अलावा भी जो रिवर है वो इंडस्ट्रीज को डेवलप करती है, यूटेंसिल्स को, प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग हाउसेज को भी हेल्प करती हैं। रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटिफुल एंड प्रॉस्पर, और रिवर की वाटर की वजह से हमारी जो लाइफ है वो ब्यूटीफुल है और प्रॉस्पर है। लैंडस्केप सीन्स एट डॉन एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ रिवर, और लैंडस्केप जो होते हैं मतलब जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे जो डॉन एंड डस्क का जो टाइम होता है वो बहुत ही फैसिनेटिंग होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। दिस आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्ट एंड हैव इनरिच द लाइफ ऑफ द पीपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आर्टिस्ट के लिए। इवन जो पीपल है वो विजिट करते हैं उनके लिए भी बहुत फैसिनेटिंग मोमेंट होता है। द पीपल बाय डेवलपिंग द एथनिक सीन्स, और हमें नेचर से वो करीब लेके आता है। वेजिटेशन, पीपल ऑफ इंडिया आर इन्वायरमेंट लवर्स सिंस एशियन टाइम। हम लोग इंडिया के जो पीपल हैं वो एशियन टाइम से ही इन्वायरमेंट लवर्स थे। इट प्रूव इन देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर एंड श्रब्स एंड प्लांट। उनके जो लव है वो आपको देखने को मिल जाते हैं फ्लावर्स में, श्रब्स में और प्लांट्स में। ह्यूमन एनिमल, बर्ड एक्सेट्रा आर डिपेंड ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड, और ह्यूमन एनिमल बर्ड्स ये सब जो है वो डिपेंड करते थे ट्री पे फूड के लिए। बनियन एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया, और बनियन, पीपल ट्री ये सब भी वर्शिप की जाती थी इंडिया में। सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड प्लांट, ग्रीन फील्ड प्रॉस्पर हर्ब्स, पैक्ड फॉरेस्ट एंड मेडिसिन प्लांट हैव अल्ट्रा रिच आवर लाइफ फ्रॉम एशियन टाइम, और ये सारे जो प्लांट हैं ये सारे भी एशियन टाइम से ही हमारे लाइफ को अच्छा बनाने में काम आते थे। हरदी, अम्बला, बेहदा, एलोवेरा, आरदुसी, नीम एक्सेट्रा मेडिसिन आर फ्लावर लाइक रोज, ये सारे जो प्लांट्स हैं वो मेडिसिन के लिए यूज होते थे। एंड रोज, लोटस, मोगरा, दामरो, सनफ्लावर, चंपा, जूही, जैस्मिन एक्सेट्रा हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, और ये सारे जो फ्लावर्स हैं इनकी वजह से हमारी लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुल होती है, फ्रेग्रेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्पर, और हमें अच्छा लगता है और हमारी लाइफ हेल्दी होती है और प्रॉस्पर होती है। थस सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन, और हमारी जो सोशल लाइफ है वो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है वेजिटेशन से। वाइल्ड लाइफ, इंडिया इज अ नेचर ऑफ लवर सिंस एशियन टाइम, इंडिया जो है वो नेचर को पसंद करते हैं एशियन टाइम से ही। इट इज़ अ कंट्री विथ एनिमल लवर्स कल्चर, टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पैथन, स्नेक, मुंगूस, लिजार्ड, प्रोक्यूपाइन, लाइक मैनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन, और ये सारे एनिमल्स जो है ना हमारी कंट्री में दिखते हैं।
फाउंड होते हैं और दिखते हैं। एशियन लायन इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। एशियन लायन जो है हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। और रिलीजन्स बिलीफ हैज गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड एंड गॉडेस व्हीकल। और ज्यादातर जो एनिमल्स है ना, हम रिलीजियसली उनको गॉड एंड गॉडेस व्हीकल्स के थ्रू भी जानते हैं। तो सम ऑफ देम वाइल्ड एनिमल टाइगर पिकॉक एलिगेटर ईगल एक्सेट्रा। और नेशनल करेंसी इज हाईली वैल्यूड बाई हैविंग द फिगर ऑफ फोर लॉयन हॉर्स एलिफेंट एंड बुल। और हमारी जो नेशनल करेंसी है उसमें भी हमने एनिमल्स को जगह दी हुई है, जैसे कि फोर लॉयंस है उसमें हॉर्स एलिफेंट और बुल प्रेजेंट किए हैं। फर्दर मोर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व आर क्रिएटेड। और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व बनाए गए हैं। एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ हैज बीन इनेक्टेड। और बहुत सारे जो लॉज है ना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी बनाया गया है। कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। और इंडिया ने हमें बहुत डिफरेंट और बहुत वैरायटीज के ना कल्चर्स और हेरिटेज दिए हुए हैं। कल्चर हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। और ये एक मैन मेड हेरिटेज है। वॉट एवर इज रिसीव और क्रिएटेड बाई ह्यूमन विथ इज टैक्ट विजडम एंड आर्ट एंड स्किल इज कॉल्ड कल्चर हेरिटेज। जो भी चीज़ें हमारा ह्यूमन जो है वो अपने विजडम से आर्ट से और स्किल से क्रिएट करता है उसे हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्यंस क्षत्रप खुशांस हुंस एंड परेशियंस तुर्क अरब मुगल ब्रिटिशर फ्रेंच एक्सेट्रा कास्ट एंड ट्राइब्स हैव केम टू इंडिया। ये सारे लोग जो है ना इंडिया में आए थे। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकम रिच। और ये सब ये सारे जो लोग हैं उनके आने से हमने एक्सचेंज की एक दूसरे से, इसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो क्या हुआ, बहुत अच्छा हो गया। The people of Indian from the prehistoric period have contributed to the people of the world. और ऐसा बोला जाता है कि prehistoric period के time से ही prehistoric time से ही हमारे country के people ने world के लिए contribute किया है। The art of architecture, the sculptures are 5000 years old. और जो art है, architectures है, sculptures है, वो नहीं तो 5000 साल पुराने हैं। द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। और जो रिमेन्स हम पाया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो एविडेंस है इसके। ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर ऑफ गॉड गॉडेस ह्यूमन एनिमल एंड सर्वल टॉयज एज वेल एज स्कल्पचर्स ऑफ द बियर्ड मैन एंड द स्टेच्यू ऑफ द डांसर्स वन फील सेल्फ एस्टीम्ड एंड प्राइड इन अवर कल्चर हेरिटेज। और जो भी रिमेन्स हमें पाए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर से, उससे हम सेल्फ प्राइड कर सकते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर ने प्री हिस्टोरिक टाइम से ही वर्ल्ड को कुछ ना कुछ दिया है। Further, when we took look at the figure of bullock or lion or on an inverted lotus of Mauryan era, the statue of Gautam Buddha in the meditative form on Kalakand statue of Jain Tirthankar, the caves of Ellora, Rashtrakuta's dynasty, etc. By seeing this heritage, we feel proud and glad, so respect for our cultural heritage. और ये सारी जो चीज़ें create करके गई हैं हमारे prehistoric period के time से, जो चीज़ें create हो गई है उससे भी हमें सेल्फ प्राइड होता है और हमें रिस्पेक्ट होता है अपने कल्चर हेरिटेज पे। और कल्चर हेरिटेज एकोमोडेट प्लेसेस बिल्डिंग्स स्कल्पचर्स टूपास विहार्स चर्च टेम्पल्स मॉस्क टॉम फोर्ट एंड गेट्स। और हमारे जो कल्चर हेरिटेज है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ अवर फ्रीडम मूवमेंट लाइक साबरमती आश्रम दांडी बड़ोली वर्धा शांति निकेतन दिल्ली एक्सेट्रा। और हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट हुए थे, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो सारी चीज़ों की वजह से भी हमें प्राउड फील होता है। प्लेसेस की वजह से भी हमें प्राउड फील होता है। कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर हेरिटेज। और इन सब प्लेसेस को भी हम अपने कल्चर हेरिटेज के पार्ट बोल सकते हैं। बिसाइड लैंग्वेज स्क्रिप्ट डिस्कवरी ऑफ जीरो मैथमेटिक्स कैलेंडर एस्ट्रोनॉमी आयरन लिटरेचर रिलीजन, ये सारी चीज़ें भी हमारी कंट्री से ही शुरुआत हुई।
रिलीजियंस, युद्ध शास्त्र, चैरिट्स, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजियन, पब्लिक पब्लिक जुडिशरी, रेगुलेशंस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ इंडिया. और ये सारी भी हमारी कंट्री की ही डिस्कवरीज थी. Culture heritage of Gujarat. The place having cultural legendary and archaeological importance are Lothal. गुजरात के अंदर कौन कौन से कल्चर हेरिटेज है. द प्लेस हैविंग कल्चरल लेजेंडरीज, जो भी प्लेस जो जहाँ पे बहुत ब्राइट कल्चर और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो लोथल है, धोलका तालुका, रंगपुर, लिमरी तालुका एंड सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, रोजदी और श्रीनाथगढ़, राजकोट डिस्ट्रिक्ट. The place of pilgrimage are Victory Town of Vadnagar, Stone Scripture of King Ashoka at Junanagar, Sun Temple of Modira Gate of Champaner, Rudmale of Sindhpur, Mansar Lake of Viramgam, Jamma Masjid of Ahmedabad, Jhulta Minar, Seeking Tower and Siddhi Sahid Jali Temple of Hathisin, Satyaling Lake of Patan, Raj Mahal of Vadodara, Tomb of Mohabbat Khan, Parsi Agyari of Navsari are the worth seeing place. और ये सारी places गुजरात के अंदर culture heritage मानी जाती हैं. प्लेस हैविंग अ रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शरद पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, बहुचारजी महसाना डिस्ट्रिक्ट, रणछोड़जी टेम्पल डाकोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड सामल जी अरावाली डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा. और ये सारे जो टेम्पल्स हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ वाइज गुजरात डिस्ट्रिक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती हैं. वेल नोन रिलीजियस सोशल एंड टूरिस्ट ओरिएंटेड प्लेस इन गुजरात आर पोलो फॉरेस्ट. गुजरात में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो है पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, काइट फेस्टिवल इन कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद, ताना रीरी फेस्टिवल वडनगर, नॉर्थन डांस फेस्टिवल मोदीरा एंड रन उत्सव इन कच्छ एक्सेट्रा. और ये सारे ये जो प्लेसेस हैं वो टूरिज्म वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गुजरात में. टूरिस्ट प्लेस इन जैन एंड बुद्धिस्ट. और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है जैन और बुद्धिस्ट के लिए. जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल इन इंडिया. जैन और बुद्धिस्ट दोनों रिलीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं इंडिया के अंदर. कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेस इन गुजरात. और ज़्यादातर जो जैन और बुद्धिस्ट प्लेसेस है वो गुजरात में हैं. ठीक है, वडनगर, तारंगा, खंभाली, शामलजी, कोतेश्वर, तालाजा, दंक, जागरिया एक्सेट्रा. ये सारे जो है वो जैन और बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं. फेयर ऑफ गुजरात, यहाँ पे आपको जितने भी फेयर्स है आपके गुजरात के अंदर वो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. वेराइड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मैनी प्लेस. हम बहुत वैरायटीज आपको देखने को मिल जाता है गुजरात के अंदर. हैंस फेयर हैविंग ट्रेडिशनल रिलीजियंस एंड सोशल इंपॉर्टेंस आर हेल्ड. और इसलिए फेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिशनली, रिलीजियसली एंड सोशली. सम इंपॉर्टेंट फेयर्स अमॉन्ग देम आर गिवन बिलो. ये सारे इंपॉर्टेंट फेयर्स हैं जो आपको दिए हुए हैं यहाँ पे टेबल में. इंडिया लैंड एंड पीपल. अब इंडिया के जो लोग हैं वो कैसे हैं. प्रिमिटिव मैन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईस्टर्न साउथ अफ्रीका. प्रिमिटिव मैन जो थे वो एग्जिस्टेंस में आए ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से. मैसमाइज्ड बाय वेराइड एंड प्रॉस्पर हेरिटेज मैनी फॉरनर ट्राइब्स केम टू इंडिया. और बहुत सारे फॉरेन ट्राइब जो थे वो हमारी कंट्री में आए जो प्रॉस्पर हेरिटेज की वजह से. कॉन्सिक्वेंसली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर. और यहाँ पे आपको जितने भी ट्राइब्स हैं ना उनको आपके जो रिमेन्स हैं ना वो पाए जाते हैं, मिलते हैं कि ये सारे जो ट्राइब्स हैं ना इंडिया में आए हैं. द ड्रेविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एशियन पीपल ऑफ इंडिया. और ड्रेविडियंस को ये माना जाता है कि वो सबसे एशियन पीपल थे. बट द मॉडर्न रिसर्चर्स ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैज प्रूव दैट इवन बिफोर द ड्रेविडियंस सिक्स मोर ट्राइब्स केम एंड सेटल इन इंडिया. पर
बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो ये मानते हैं कि द्रविड़ियन से पहले भी सिक्स मोर ट्राइब्स जो थी वो इंडिया में रहती थी, सेटल हुई थी। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट देम। अब उनके बारे में जानते हैं वो सिक्स जो ट्राइब्स थे वो कौन थे। Negroids, some Habsi people, some historian believe that Negrit or Negros, Negros are the most eastern inhabited of India. कुछ हिस्ट्रियन ये मानते हैं कि जो निग्रोज है ना वो सबसे सबसे पुराने इनहेबिटेंट रहने वाले लोग हैं इंडिया के अंदर। दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया, और वो लोग अफ्रीका से बलूचिस्तान होते हुए इंडिया में आए थे। दे वे ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर। वो ब्लैक कलर के थे और उनकी जो हाइट थी वो 4 to 5 feet और कर्ली हेयर्स थी। ऑस्ट्रोलॉइड्स निशन पीपल, पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ये जो ट्राइब के पीपल थे वो साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। देयर फिजिकल फीचर्स वेयर ब्लैक स्किन विथ अ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज एंड शॉर्ट इन हाइट। उनके जो फिजिकल फीचर थे वो ऐसे थे। द आर्यंस हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निशन, और जो आर्यंस उनके बाद आए थे उन्होंने उनको निशन कहा। The origin of the tribe like Kol and Munda, Khasi tribes of Assam and the tribes of Nicobar, Manyamar have similarity to the Australoids. और जो जो ओरिजिन है कोल और मुंडास की और खासी ट्राइब्स की, जो जो लोग आसाम आसाम में निकोबार में मन्यमर में इन ये जो लोग रहते थे वो उनसे सिमिलर है एस्ट्रोलॉइड से। दिस कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। और देयर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर में वो बहुत ही ज़्यादा है। दे मेड क्ले यूटेंसिल, वॉर कॉटन क्लोथ एंड न्यू मैनी अदर स्किल। और वो क्ले यूटेंसिल बनाते थे, कॉटन क्लोथ पहनते थे और बहुत सारे स्किल्स और भी उनको पता थे। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ टू, और वो बहुत रिलीजियस भी थे। द द्रविडियन, द्रविडियंस वेर कंसिडर टू बी द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहन जोद्रो एंड द डायरेक्ट डिसेंटेड ऑफ स्टोन और कल्चर। ऐसा माना जाता है द्रविड़ियन जो थे उन्होंने क्रिएट किया था सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो मोहनजोद्रो में था। The tribes which came from the north survived with their language and culture feature. ये जो ट्राइब थी वो नॉर्थ से आई थी और उन्होंने उन्होंने वहाँ पे सर्वाइव किया था अपने लैंग्वेज की वजह से और कल्चर फीचर की वजह से। Later on they were only called as a Dravidians, और उनको बाद में द्रविडियंस के नाम से जाने लगा। द्रविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड, और उन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया कि मदर जो होती है गॉडेस होती है और फादर जो होते हैं गॉड होता है। सो द थॉट ऑफ पार्वती शिव एज मदर एंड फादर डेवलप, और इससे जो है ना थॉट है ना पार्वती और शिव का डेवलप हुआ। मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज अ गिफ्ट ऑफ द्रविडियन, और ज्यादातर जो वर्शिपिंग नेचर को जो हम वर्शिप करते हैं वो गिफ्ट है द्रविडियंस की। The tradition of worshipping with a dhoop, deep and aarti are considered to be the gift of Dravidian. और जो हम धूप दीप आरती करते हैं वो भी हमें द्रविडियंस के थ्रू मिला था। बिसाइड नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एक्सेट्रा आर द ग्रेट फीचर, और वो एनिमल्स को भी वर्शिप करते थे। ओरिजिनल डाइटीज ऑफ द्रविडियंस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस एंड वर रीस्टैब्लिश्ड बाय देम एज अ गॉड ऑफ कल्चर एंड विद अ पीस ऑफ टाइम। और जो द्रविडियन जिनको पूजा करते थे वो आर्यन ने भी एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने उनका नाम दिया गॉड ऑफ कल्चर विद अ पीस ऑफ टाइम। अंडर द ट्रेमिडियस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज बाई द द्रविडियन, और ज़्यादातर धीरे धीरे टाइम होने के बाद आर्यन कल्चर जो था वो ज़्यादा डीपली जो है वो द्रविडियन कल्चर जैसा ही था, उन्होंने ले लिया पूरा। Hence intercaste marriage took place. उसकी वजह से जो दोनों का जो द्रविडियन और आर्यन जो थे वो एक जैसे ही थे, तो उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करना भी स्टार्ट किया। द्रविडियंस हैड मैट्रिचुअल सिस्टम ऑफ फैमिली। द्रविडियन प्रोग्रेस अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट एंड आर्ट लाइक बिल्डिंग,
ऑफ बोट एंड ड्राफ्ट, वेविंग एंड स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा. द्रविड़ियन जो है वो मातृचल सिस्टम जो होते हैं, जो होती है वो मेन होती है, उस पर बिलीव करते थे. और वो डिफरेंट क्राफ्ट और आर्ट और बोट और ड्राफ्ट, वेविंग, स्पिनिंग, ये सारी चीज़ें भी, एक्टिविटीज भी वो करते थे. ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस दे शिफ्टेड टू द साउथ इंडिया एंड सेटल देयर. और ज़्यादातर जो आर्यंस हैं वो पूरे इंडिया में थे, सो वाई वो साउथ इंडियन में, साउथ इंडिया में उन्होंने वो चले गए. एज अ रिजल्ट टूडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम एक्सेट्रा. सो वाई हम ये कहते हैं जो द्रविडियन है इसी में से ये सारे जो लैंग्वेज है वो आई हैं. Our other tribes, apart from above, Mongoloids, Alpines, Dinric and Ammonites tribes were also there in India. ये सारे tribes भी India में थी. The Mongoloids, they came to India from North China via Tibet and settled down at North Assam. ये जो थे वो India में आए North China से Tibet के through और वो settle हो गए North Assam में, Sikkim, Bhutan और West Bengal में. They gradually Indianized themselves, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इंडिया में इंडियनाइज कर लिया. Mongoloid people possess the physical characteristic like yellow complex. वो दिखने में ऐसे, उनके जो कॉम्प्लेक्स होता था दिखने में, वो उनका कॉम्प्लेक्स येलो था, फ्लैट फेस था, चबी चिक्स थी, ऑलमोस्ट सेफ आईज एक्सेट्रा. Mongoloids were of yellow complex and they were known as carrot. और वो येल्लो कॉम्प्लेक्स के थे और उनको कैरेट कहते थे. अल्पाइन दिनरिक एंड अर्मेनॉइड्स, दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. ये जो पीपल थे वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होके आए. ऑल दिस थ्री ट्राइब्स हैव अ सिमिलैरिटी. ये तीनों एक सिमिलर ही ट्राइब्स थे. द ओरिजिन ऑफ दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा. और इनकी जो ओरिजिन है वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में पाई जाती है. फॉर्मली नोन एज उड़ीसा, ज़्यादातर ये उड़ीसा में पाई जाती है. द आर्यंस, द नॉर्डिक आर्यंस वेयर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया. जो आर्यंस थे उन्होंने क्रिएट किया आर्यन सिविलाइजेशन. हिंदू वेयर कॉल्ड आर्यन इन द एशियन टाइम एंड द एरिया वेयर दे वर डेंसली populated are called Aryavart. और हिंदूज जो थे उनको आर्यन कहा जाता था, और एरिया जहाँ पे वो लोग रहते थे उसे हम उसे वो आर्यवर्त कहते थे. एस सेवन रिवर्स आर फ्लोइंग ओवर देयर, दैट रीजन वॉज नेम्ड एज अ सप्त सिंधु. और सेवन रिवर्स वहाँ से फ्लो होती थी, इसलिए उस एरिया को सप्त सिंधु भी कहते थे. इन एशियन टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट. और पहला जो आर्यन पॉपुलेशन था वो नॉर्थ वेस्ट में था. द एरिया ऑफ आर्यवर्त वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला इन ईस्ट. और उनका जो एरिया है वो एक्सटेंड करता गया मिथिला में, बिहार में. इन साउथ इज स्प्रेड बाय द विंध्याचल, और साउथ के साइड पे विंध्याचल तक ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड. और पोस्ट वैदिक पीरियड में दे वर मूव्ड एडवांस्ड पीपल दे एनी अदर कॉन्ट्रीब्यूटरी ट्राइब. वो बहुत ही एडवांस थे दूसरे सारे ट्राइब से. दिस वास्ट लैंड वॉज रिकोगनाइज विद वेरियस नेम्स ऑफ, और जो ये जो उनका जो लैंड था उसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता था. भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्ष एक्सेट्रा. आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्यवर्त, आर्य भारत और भारत कुल ट्राइब. और इसका नाम जो है भारत इसलिए पड़ा था, राजा के ऊपर आर्य, जो आर्य भारत नाम पड़ा था या भारत कुल ट्राइब के ऊपर. आर्यन वेयर द नेचुरल लवर्स. आर्यन जो थे वो बहुत नेचर को लव करते थे. दे लव्ड एंड वर्शिप द रिवर एंड द रिवर द माउंटेन द सन एंड द विंड एंड द रेन. और ये सारी नेचुरल चीज़ों को भी वो वर्शिप करते थे. दे हैड कंपोज हेम्स फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट. और वो लोग ने बहुत सारे हेम्स प्रेयर्स है ना वो बनाए थे वर्शिप करने के लिए. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रेसिटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञस एंड अदर एक्टिविटी बिकम प्रिवलेंट इन इंडिया. और उन्होंने बहुत सारे सेरेमनीज में वेदास और ये सारे जो पूजा पाठ है ना, वो रिलीजियस एक्टिविटी है ना, उन्होंने करना स्टार्ट किया. देयर वेयर अ फाइन एमिग्रेशन ऑफ दोज ट्राइब विथ देयर स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग एंड हारमोनियस कल्चर वॉज फॉर्म, विच गेव इंडिया अ ग्लोरियस एंड प्रॉस्पर हेरिटेज.
हेरिटेज द और ये सारे ट्राइब की वजह से ही हमारे इंडिया का जो ग्लोरियस और प्रॉस्पर हेरिटेज हमें मिला. दिस फॉरन एंड इंडियन ट्राइब्स एमिग्रेटेड इन सच अ वे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट दे लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड दो इंटरकास्ट मैरिज. और ये सारे जो ट्राइब है ना वो एक दूसरे से ऐसे मिल गए और उन्होंने एक साथ जो इंटरकास्ट मैरिज जो होता है ना वो भी स्टार्ट कर दिया. Outsiders and the local people were greatly influenced by the language, script, name and religious belief. और आउटसाइडर्स थे और जो लोकल पीपल थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंस थे लैंग्वेज से, स्क्रिप्ट से, नेम से और रिलीजियस बिलीफ से. प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस फॉरनर्स सिंस एशियन टाइम अ कंपोजिट कल्चर हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया. और एशियन टाइम से ही अलग अलग टाइप के लोग एक साथ मिलकर हमारे कल्चर को वेराइड बनाते हैं. They then become Indians. और उसके बाद सब वो एक साथ मिलकर वो सब Indians हो गए. In short, in ancient Indian, the amalgamation of various culture enriched. और ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे कल्चर ancient Indian भी इंडियन में भी यूनिफाइड हुए थे. इंडियन कल्चर by making a variegated and prosper. और बहुत सारे कल्चर की वजह से जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही प्रॉस्पर है. प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, कैसे हम अपने हेरिटेज को प्रिजर्व प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं. ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडियन आई कैचिंग पिक्चर्स क्लियर एंड अट्रैक्टिव. हर एक एस्पेक्ट जो है हमारी कंट्री का वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अट्रैक्टिव है. हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन. और आप सबको पता है कि सारी कंट्री का जो हेरिटेज है वही उसको प्राइड मूवमेंट देता है. Indian attained a leading position in the world by keeping it rich heritage protected and preserved. और इंडिया ने जो है अपने रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके और प्रिजर्व करके पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाया है. Thus, it is a primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the Asian memorial and also to preserve places having historical importance and value. तो ये हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमारी जो एशियंट जो चीज़ें हैं या हमारा जो कल्चर है उसे हम कोई भी है ना डिस्ट्रॉय ना कर सके. The fundamental duty in our constitution, the fundamental duty of Indian citizen are mentioned in Article 51A in that हमारे constitution में भी Article 51 में mention किया गया है हमारी fundamental duty हर एक citizen की. In that 6, 7 and 9 describe the following duty for preservation of our culture heritage. ये duties दी गई है कि कैसे हम अपने culture को protect कर सकते हैं. They are given below. To understand the importance of our harmonious culture, prosperity and to preserve it. हमें अपने कल्चर को जानना चाहिए और उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. Maintain the forest, tanks, river, pond and the wild animal and bird along with maintaining the natural environment and to show compassion for all the living creature. हमें अपने forest को, tanks को, rivers को, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको maintain करना चाहिए और उनको protect करना चाहिए. Environment and to show compassion for all of the living creature. और हमें हमेशा ये होना चाहिए कि खाली human being के लिए सब चीज़ें नहीं है, वो सारे जो nature में जो भी चीज़ें belong करती है वो सभी जो animals हैं और human being है सभी के लिए बराबर है. The protection of public property and giving up violence are also included in it. और कोई भी public property है उसको भी हमें destroy नहीं करना चाहिए. Thus, nature has created beautiful landscape. We should maintain the purity, sanctity and beauty. और nature ने beautiful landscape create करके रखा है तो हमें उसको maintain करना चाहिए of this place considering it to be our moral duty. और ये हमारी moral duty भी है. The Indian heritage is an outcome of the development of people of India over a long period of time. Nature has generally donated a abundant prosperity of India. और nature ने बहुत सारी चीज़ें हमें provide के जिसकी वजह से हमारी कंट्री आज प्रॉस्पर है. इंडियन अचीव इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी इन ऑल द फील्ड फॉर अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू इंडियन पिकुलर नेचुरल स्ट्रक्चर. और इंडिया ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ली है बिकॉज ऑफ हमारे नेचुरल हेरिटेज की वजह से, नेचुरल कल्चर की वजह, स्ट्रक्चर की वजह से. इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट. और इस तरह से इंडियन हेरिटेज जो है वो
डेवलपमेंट का डेवलप कर रहा है ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड कल्चर फील्ड ऑफ ओवर सेंचुरी. इस तरह से हमारी कंट्री जो डेवलप कर रही है सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एंड कल्चरली. और इसके एक्सरसाइज जो है